न्यूज़ नाउ लाइव अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जिस तरह से हमेशा से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको बड़ी से फेमस पर्सनालिटी से रूबरू करवाते रहें, और आज जिस रेनाउंड पर्सनालिटी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो बॉलीवुड के एक चमकते धमकते सितारों में से एक है। वो है सीनियर एक्टर कम डायरेक्टर है कम प्रोड्यूसर, और उनका नाम है रवि खेमू जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नाउ में। सर सबसे पहले तो हम जिस तरह से शुरुआत करते हैं सबकी जर्नी के बारे में हम जानते हैं, तो आपकी जर्नी से ही हम स्टार्ट करें। तो जिस तरह से आपके पिताजी जो हैं वो पद्मश्री अवार्ड उनको उनके इस अवार्ड से नवाजा गया है, तो सर आज आप इस पोजीशन पर हैं, इतनी नोन पर्सनालिटी हैं, तो इस जर्नी की कैसे शुरुआत हुई, कितने हर्डल्स पेश आए, कितनी मुश्किलें पेश आई आपको इस जर्नी में? ये मेरी जर्नी देखिए, मैं कश्मीर में पैदा हुआ हूँ और मेरी ग्रेजुएशन कश्मीर में हुई। JNK यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया साइंस में। जब तक मैं साइंस स्टूडेंट था तब तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। हालांकि मेरे घर में मेरे पापा जो है पद्मश्री मोतीलाल केम्मू, वो थिएटर और प्ले राइटिंग के बड़े रेनाउंड फिगर रह चुके हैं, तो उनके जो यार दोस्त आते थे वो आपस में ये बातें बातें कर रहे थे। कुछ सेट बनता था, कुछ करेक्टर होता था, कुछ कॉस्ट्यूम होता था, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट लग रहा था। मैं कहा यार ये कुछ रंग बिरंगी चीज़ें हो रही है। अब जी साइंस भी मैंने इसीलिए लिया, रंग बिरंगी चीज़ें लेबॉरेटरी देखी थी। मैं कहा यहाँ कुछ पाइप पाइप कुछ ऐसे बड़े तमाशे हैं तो जब घुस जाते हैं साइंस ही सीख लेते मतलब पढ़ लेते हैं। तो ये करते करते मैंने सडनली 75 में मैंने किसी दोस्त को बोला मैं तुम लोग ड्रामा वामा करते ज़रा मैं भी करना चाहता हूँ। उन्हें बोला आपका नाम, मैंने कहा अरे आप तो फलाने के बेटे। मैं तो क्या हुआ, कहता है चलो चलो आप कर लो। तो उन्होंने बल्कि मेरे को एंट्री दे दिया उस ग्रुप में, और बाद में मेरे पिताजी का भी काफ़ी इस्तेमाल किया हम लोगों ने, तो वहाँ से शुरुआत हो गई। फिर ऐसी बात चली थी यार इसमें क्या किया जाए, तो किसी ने बोला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जहाँ पर पूरी ट्रेनिंग मिल जाती है। तो फिर मैं 77 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया। फिर वहाँ तो एक पूरा विजन ही खुल गया। पहले तो ड्रामा में ऐसे करते थे एमेचर थिएटर, पता चला ड्रामा में भी 21 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। मैंने कहा यार ये तो कुछ साइंस से भी ज़्यादा हो गया, मतलब क्लासिकल इंडियन थिएटर से लेकर मॉडर्न थिएटर, चाइनीज टी हाउस थिएटर, फलाना नोह काबू की पता नहीं क्या क्या, ग्रीक पीक सब, मैं तो पूरा वर्ल्ड घुस गए। एंड दैट वॉज ओपनिंग ऑफ ए विजन। तो फिर करते करते देन आई वॉन्टेड टू स्पेशलाइज इन माइम, आई वेंट टू केरला, आई लर्न थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ केरला। आई हैड नेक्स्ट प्रोजेक्ट टू गो टू मणिपुर टू लर्न थांगथा एंड अदर आर्ट फॉर्म्स, लेकिन बाद में आई वेंट टू बिकेम ए प्रोफेसर इन लखनऊ, आई वॉज टीचिंग थिएटर एंड ड्रामेटिक्स। बाय द टाइम माई लॉट ऑफ फ्रेंड्स केम टू बॉम्बे विच इंक्लूड्स आलोक नाथ, नीना गुप्ता, अनु कपूर। इन्होंने बोला यार तू क्या करा लखनऊ में, आ जाना, बिकॉज हमारी वो गैंग थी एक, उन्होंने बोला आ जा टेलीविजन शुरू हो गया, लेट्स डू समथिंग टेलीविजन। मैं कहा चलो आते हैं। आई वेंट टू, पर मैंने कहा मैं तो यार वो ऐसे कॉमर्शियल तो करता नहीं, मेरा तो थोड़ा सा ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल मोतीलाल केम्मू का बेटा तो स्टडी बेस्ड था। तो देन आई जॉइन श्यामबेनेगल, देर आई फाउंड की दैट आई गॉट समबडी हु वॉज एन इंटेलेक्चुअल गाय एंड मेड फिल्म्स विच मैटर, नॉट कॉमर्शियल फिल्म्स बट फिल्म्स बेसिकली फिल्म्स विच कैन विच एंड विच हैव द इंटरनेशनल वैल्यू। तो देन आई स्टार्ट आई वर्क विद हिम, देन वी मेड कपल ऑफ सीरियल कॉल्ड भारतीय खोज एंड फिल्म एंड अदर थिंग्स। तो मैंने फिर एक्टिंग छोड़ दी थी, तब एक्टिंग नहीं करा। देन आई वाज यू नो डिक्टेटर बनना है तो डायरेक्टर बन जाओ। देन आई ओपन माय ओन कंपनी कॉल्ड मार्टन मूवीज, उसमें हमने कम से कम 1000 एपिसोड्स बनाए एज प्रोड्यूसर। आई वाज द वन प्रोड्यूसर हु मेड 2 सीरियल्स इन US कॉल्ड मौसम एंड डॉलर बहू फजी। एंड फिर एक बार ऐसे ही हुआ कि किसी को मेरी शक्ल पसंद आ गई, उन्होंने बोला सर आप रोल वोल क्यों नहीं करते, मैं दे दो जी। तो बहाना बन गया राजनीति में, प्रकाश जाके फिल्म के कि आई प्लेड कैटरीना कैफ फादर, और तब से फिर एक्टिंग ही करते हैं। इसी रोल से ही हम बात करें, जिस तरह से राजनीति की में आपने रोल अदाकारी अपनी निभाई है, और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो कि बहुत ही यंगस्टर्स की फेवरेट मूवी मानी जाती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसमें भी काफ़ी अहम अदाकारी निभाई है आपने। तो सर जो आपके रोल्स आज तक अभी तक आपने प्ले किए हैं, तो आपके लिए सबसे अहमियत कौन सा रखता है? मुझे लगता है अहमियत वाला रोल तो अभी आया ही नहीं, क्योंकि क्या है कि जब भी मैं डायरेक्शन में भी जाता हूँ, आई वर्क विद कपल ऑफ पीपल हु आर बिग स्टार्स एट द टाइम विच इंक्लूड्स इवन हेमा मालिनी और यू नो संजय खान। तो जब मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में करता दे कॉल्ड मी एज डायरेक्टर्स, तो वो मेरी शक्ल देखे थे अरे तुम इतने खूबसूरत हो तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा एक्टिंग में मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू डू सम विलेनिश कैरेक्टर, सम डाउन टू अर्थ शराबी, यू नो गुंडा, यू नो दाड़ी वाला। हाँ कहते बट दैट विल नॉट सूट योर पर्सनैलिटी, दैट्स व्हाई आई सेड दैट्स व्हाई आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, आई डोंट वांट समथिंग विच सूट्स माय पर्सनैलिटी। क्योंकि मैं इसलिए फिल्मों में अभी भी मेरे पास क्या, जब भी कोई फ़ोन करता है मैं बोलता हाँ भाई बता मैं करोड़पति बाप होऊंगा या लड़की का या लड़के का, यही तो होगा ना। हाँ सर
आप मिलेनियर है, क्योंकि हर फिल्म में तो मैं करोड़ों करोड़ चक काटता हूँ, वो थ्री पीस सूट लगा के टाई लगा के, क्योंकि लुक आपका ये है। तो इवन इन राजनीति में आई वॉज प्लेइंग यू नो इंडस्ट्रियलिस्ट, सेम थिंग इन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में बिलियनर बाप, और एक थी क्या इश्कदारियाँ उसमें भी बिलियनर, तो मैं तो बिलियनर ही होता हूँ हर जगह। जुनूनियत आल्सो या उसमें भी बड़ा ठेकेदार। तो प्रॉब्लम ये है कि दैट्स व्हाई आई हैव टू, अब ये खैर विडंबना है सिनेमा के कि भाई जो लुक है वही तो आप एक्सप्लोर करोगे। Absolutely. तो इसलिए मैं तो बोलता, मैं तो आप तो मेरे से, मेरे को थोड़ी एक्टिंग कराते हो, आप तो मेरे लुक के पीछे पड़े हो भाई, चला चला हैंडसम आदमी यही लगता है, रईस यही लगता है, फलाने ये लगता है। अभी तो मैंने लुक ही चेंज किया है, मेकअप बिकॉज फादर की डेथ हो गई तो मैंने पूरे बाल कटा दिए। तो अभी जब बोल रहे फ़ोन कर रहे सर आपको ये है, मैंने कहा भाई पहले मेरा लुक देखो, मैं ऐसा लग रहा हूँ। अरे सर बाल कब तक आएंगे, मैं कहा वेट करो। तो सर जिस तरह से हम बात करें आप ही के आगे जो पुत्र हैं कुणाल खेमू जी के एक्टिंग करियर पे, जो कि इतने फेमस स्टार हैं, जो यंगस्टर्स के भी वन ऑफ द फेमस स्टार्स में से एक आते हैं, तो कितना प्राउड फील होता है उनको इस मुकाम तक देखते हुए। देखिए क्या है कि जब मैंने शुरू किया था, तो मैं जब एनएससी चला गया तो माय फादर आसमी कहता अगर तुम्हें थिएटर करना था तो बता तो देते, कम से कम हम तेरे को गाइड करते थे। मैं कहा आपको बता देता तो आप शायद करने नहीं देते। लेकिन कुणाल के साथ ये हुआ कि जब कश्मीर से एक्सोडस शुरू हो गया 90 में हम चले गए, तो उसका जब मैंने देखा मैंने कहा यार एक टैलेंट है इसके पास, तो आई शुड स्टार्ट पॉलिशिंग हिम। तो इट वाज नॉट दैट आई शुड बी इग्नोरेंट कि कल फिल्म इंडस्ट्री में जाए, और मैं भी उसको ये पूछा रहे तेरे को इंडस्ट्री में आना तो मुझे बता देते। तो आई स्टार्टेड पॉलिशिंग, वैसे लगा तुमको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो यू हैव टू लर्न सर्टेन स्किल्स, सो दैट वाज इवन व्हेन ही वाज अ चाइल्ड एक्टर। फिर उसको मैंने गैप दे दिया, मैंने कहा अब तो तुझे करना नहीं है, पहले तो आप ग्रेजुएशन पूरा करो, पढ़ाई ख़त्म करो, उसके बाद आते हैं सेकंड टेक में, देखते क्या होता है। तो वो जो उसकी बेसिक ट्रेनिंग थी जो बचपन में राइट डाउन फ्रॉम हमें राय प्यार के से लेके वो दूसरी वो जो जख्म तक, उसके बाद 6-7 साल का गैप, तो अब क्या होता है जेनेटिकली भी होता है बिकॉज थर्ड जनरेशन। माई फादर वॉज मल्टी टैलेंटेड पर्सन, माई मदर इज़ ए सिंगर, माई सिस्टर वॉज ए सिंगर, मैं तो उसके भी कुछ आ गया। तो इज़ ए गुड एक्टर, इज़ ए गुड सिंगर, इज़ ए लिरिसिस्ट, स्क्रिप्टें लिखता है अपनी, तो टैलेंट को थोड़ा सा पॉलिश करना था। देन इट वॉज अ डिसीजन कि कौन सी कैटेगरी में जाएँ, वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर द आर्ट फिल्म और यू वॉन्ट गो फॉर द कॉमर्शियल फिल्म। तब उसने सोचा कि आर्ट तो अपने पास है बिकॉज एक्टिंग तो है ही, एक्टिंग तो कोई चुरा नहीं सकता, बट लेट्स टेक यू नो कट टूवर्ड्स स्टारडम, क्योंकि स्टार बनने के लिए शायद इतनी एक्टिंग नहीं करती लेकिन बाकी चीज़ें मेंटेन, बाकी चीज़ें भी काफ़ी है जो करनी पड़ती है। तो मैं कहा ठीक है गिव इट अ ट्राई, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। तो वो ट्राई करते करते निकल गया, तो अभी भी आई विल से कि दिस नॉट रीच टू एनी मुकाम पे तो नहीं पहुँच गया, लेकिन जर्नी इज ऑन। बिकॉज उसको भी यही है, बोला बेटा यू शुड बी एक्टिंग टिल रिटायरमेंट, इट्स नॉट दैट आए और गए, कम करो, गम मत खाओ, नहीं भी करो, सोच समझ के करो, जितना एक्सपेरिमेंट करना था कर दिया, जितना पोटेंशियल था बता दिया, रेंज बता दिया, नाउ लेट पीपल चूज एंड कम। तो वो चलता है, पॉलिशिंग अभी भी चलती है। सर जिस तरह से इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपको, आप सीनियर एक्टर हैं और आपने अपने बेटे के लिए भी एक सपोर्टिंग रोल, एक रोल मॉडल की तरह आप उनके साथ खड़े रहे हैं, तो हम आपके लिए अगर हम बात करें तो जिस तरह से सबकी लाइफ में एक रोल मॉडल तो रहते ही हैं, तो आपके लिए आपके रोल मॉडल कौन थे? अगर आप मुझे पूछेंगे मेरा रोल मॉडल, अगर आप मुझे बॉलीवुड में तो एज एन एक्टर तो कोई नहीं है, बट my first role model is in my whole career as a total personality, first was my dad Moti Lal Kemmu, second was my one director called B.V. Karant from NSG, third is my filmy guru jo film ka guru, that is Shyam Benegal, then there is another called Fritz Benevitz and Barry John. ye chhe log hai jinse main waqai bahut inspire ho gaya, jisse main ek bahut acha teacher bhi, I think I am the best teacher in acting. मैंने इतने एक्टर प्रोड्यूस किए और आज भी मैं नए लोगों को सिखाता हूँ ज्यूरिंग माई प्लेज और ज्यूरिंग माई सीरियल्स और ज्यूरिंग माई व्हाटएवर आई डू। तो ये इन सब से मैंने ले लिया है, ये 6-7% हाँ, एनर्जी, टेक्निक, थॉट, इम्प्लीमेंटेशन, मोटिवेशन, यू नो ऑल दोज थिंग्स, जिसकी वजह से मैं एक्टर भी हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, क्योंकि श्याम बनेगल से प्रोड्यूसर डायरेक्टर, माई फादर वॉज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर एंड एक्टर ऑल्सो,
फ्रिट्ज बेंजमिन वाज अ डायरेक्टर जो इतना एनर्जेटिक था, ही वाज एट द टाइम 80 के आसपास था, लेकिन लगता नहीं था, वो 20 साल का लगता था जब उससे काम करते थे। बैरी जॉन इज समबडी हु इज़ द बेस्ट टीचर फॉर एक्टिंग, और वो आपके अंदर की एक्टिंग निकालता है, ये नहीं कि इनपुट दे दो ऐसा करो वैसा करो, यू नो। सो इन सबसे कारण जी थिएटर पर्सनैलिटी, तो इन सबसे मैंने उठा के अपने ऊपर डाल दिया, तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी को निखार दिया है। तो दियो आई एम इंस्पायर्ड बाय ऑल दिस सिक्स पीपल। सर बस एक आखिरी सवाल, जिस तरह से हम हमारे जम्मू की ही बात करें, जम्मू के यूथ की बात करें, तो आज भी जम्मू के युवाओं में बहुत सा टैलेंट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है, वो आगे उभर कर नहीं आ पाता है। तो आपके लिए, आपके थ्रू उनके बच्चों के लिए, उन सभी युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा कि जिस तरह से वो इस यहाँ पे आए और इस फील्ड में अपना करियर बिल्ड कर सके, क्या मैसेज रहेगा? मैं आपको एक चीज बता जम्मू के बारे में, क्योंकि जब मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैं कश्मीर में पैदा हुआ था, जम्मू के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। मैं एक बार यहाँ आया एक सीरियल बनाने के लिए, डीडी के लिए, जिसका नाम था दहलीज। तो मैंने कई लोगों से पूछा, यार मुझे एक्टर चाहिए, बिकॉज आई एम फाउंड मैं जहाँ भी जाऊँ एक्टर वहीं के लेता हूँ। यहाँ आया तो यहाँ मुझे बोला नहीं गया, बोला गया कि यहाँ कोई आपको एक्टर नहीं मिलेगा, आप खान खा में आपको बम्बई से लाना चाहिए था। तो मेरा उनका जवाब था, मैं देखो मैं ऐसा आदमी, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ, मैं अगर कब्रिस्तान में भी छोड़ोगे मैं वहाँ भी एक्टर पैदा करूँगा, मुझे करना इधर ही। और मैंने यहाँ ही 10 बार एक्टर ढूँढे, जो आज बम्बे में भी कहीं इधर उधर सेटल है, और मैंने शुरू किया। तब से लेके आज तक का जो सफ़र है, आज मैं जब देखता हूँ अभिनव थिएटर भी खड़ा है, मैंने थिएटर भी यहाँ वापस शुरू किया, लेफ्ट थिएटर, तब तो यहाँ वो गांधीनगर में जो वुमेंस कॉलेज वहाँ करते थे, ये बन नहीं रहा था। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे एक्टर हैं यहाँ पर जी। तो मुझे वो बार बार याद आती है, किसने कहा था ये कि यहाँ कोई एक्टर नहीं है। लास्ट ये 2 साल पहले भी मैं आया था यहाँ, आई वेंट टू सनासर टू शूट हमारे गाँव कोई आएगा, तब भी लोगों ने बुलाया, तुम तो लाते नहीं बम्बे से। मैं बम्बे वाले को खास है क्या, अपने पास इतना टैलेंट है यहाँ जी। तो प्रॉब्लम नंबर वन ये है कि वी डोंट प्रमोट आवर ओन चिल्ड्रन, आवर पीपल, नंबर वन। नंबर टू, हमारी इनर जलसी और इनर झगड़ा इतना है कि अगर कोई आगे बढ़ता है उसको खींचने वाला भी हम ही हैं। नंबर तीन, वी डोंट हैव ए यूनिटी। यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू प्लान। आज लोग बोलते हैं, एक्टर बोलते हैं, चलो सर इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा। मैं बोला तुम 10 टिकटें तो बेच के दिखाओ ना। वेयर हैव यू क्रिएटेड एन ऑडियंस? यू हैव टू क्रिएट एन ऑडियंस। ऑडियंस अभी आज यहाँ भी मुफ्त की आती है, मुफ्त की भी नहीं आती है। अब उनको बोलो आ जाओ तो आ जाएंगे, चाय भी पिलाएंगे तब भी नहीं आते। सो वी हैव नॉट क्रिएटेड, दे हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग। दे हैव टू मेक फर्स्ट ए ग्रुप, देन द ग्रुप हैज़ टू बी आस्क्ड टू डू सीरियस थिएटर एंड गुड थिएटर। वॉट एवर डू इट शुड बी गुड, इट शुड नॉट बी मीडियोकर, बिकॉज पीपल सी फ्रॉम चैनल्स, पीपल सी फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग। देसी ये स्मॉल फिल्म से लेके बड़ी फिल्म, अच्छी अच्छी फिल्में बनाए तो आपकी फिल्म देखने क्यों आएंगे, आपका थिएटर देखने के, आपको एज एन एक्टर क्यों देखने आएंगे? अनलेस एंड अनटिल आप में एक खास बात हो, आपको एक ऑरा क्रिएट करना है, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप यूनाइटेड नहीं होगे, सिलेक्टेड काम नहीं करोगे, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं होगी। आप हमेशा ऑडियंस को ही दोष देते हैं, अरे ऑडियंस आती नहीं, ऑडियंस आती नहीं, ऑडियंस आगे बोलती मैं क्या देखने हूँ, बताओ तुम क्या कर रहे हो, इसमें ना कुछ नहीं है, मैं क्या देखूँ, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ, इससे अच्छा तो मैं जाके घर पर टी वी देखूँ। तो फिर क्या जवाब है हमारे पास, कुछ नहीं है। तो जब तक यूनाइट नहीं होंगे, जब तक फाइट नहीं करेंगे, जब तक एक स्पॉन्सर, देखिए सरकार से, सरकार भी पैसे देती है, सरकार से पैसा लो, लेकिन प्राइवेट स्पॉन्सर को भी पकड़ो, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री का ज़माना है यार, सरकार भी तो इंडस्ट्री से ही लेता है। रेलवे बोलता लाओ ऐड दे दो यार, लक्स से लेके पता नहीं किस किस का ऐड लगाते हैं, तब ट्रेन चलाते हैं वो। तो हमें भी ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिएगा, जो हमारे शहर के बड़े रईस लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना, भाई तुम थोड़ा पैसा दो हम आपको एंटरटेन करते हैं। ये तब तक नहीं होगा जब तक यूनाइटेडली एक स्टैंड नहीं लेंगे और डेडिकेटेडली, वरना अगर अपना अपना घर संभालें तो कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, अपना संभालो दूसरे के कपड़े फाड़ो कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल जम्मूइट्स एंड अदर पीपल हु आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए थे एक ऐसी रिनाउंड पर्सनालिटी जो कि बॉलीवुड के चमकते धमकते सितारों में से एक है, जिनका नाम है रवि खेमू जी, जिनसे अभी हमने बात की और आपको भी लाइव मिलवाया। सो आगे भी इसी तरह से लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ नाउ विद मी प्रेरणा जम्वाल, वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा।